उपचुनाव को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर आईजी ने मातहतों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अक्सर देखा गया है कि चुनाव के दौरान अवैध तरीके से शराब कार्यकर्ताओं को बंटवाई जाती है, रुपए बांटे जाते हैं, इसके साथ ही वोटरों को भी रिझाने के लिए रुपयों को बांटा जाता है और शराब को भी, साथ ही सोशल मीडिया में भी अफवाह का दौर लगा रहता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आईजी रेंज ने कड़े निर्देश दिए हैं और इन सभी लोगों पर नजर रखते हुए कड़ी कार्रवाई के लिए कहा है। देखिए, घाटमपुर उपचुनाव कानपुर जनपद में होने हैं, इसको लेकर के सभी अधिकारियों को अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी अजारक तत्व हैं उनको चिन्हित करके उनको पर कार्रवाई किया जाना, जो असलहे हैं उनको जमा कराए जाने की कार्रवाई, इसी प्रकार से बॉर्डर सीलिंग का प्लान अभी से तैयार किया जाना, अभी से हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड्स ने काम करना आरंभ कर दिया है और कुछ बरामदगी भी उनके द्वारा की गई है। जो आसपास के जनपद हैं, बॉर्डरिंग जनपद हैं, जैसे कानपुर देहात, उन पर भी, वहाँ पर भी चेकिंग आरंभ कराई गई है। इसके अलावा चुनाव में प्राय अवैध शराब का भी प्रयोग होता है, तो इस पर भी अभी से लगाम कसी जा रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इस तरह के व्यवसाय में लिप्त रहते हैं। तो हम लोगों की पूरी प्लानिंग है कि ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और भयमुक्त वातावरण में हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं चुनाव में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और कुछ भ्रांति रहकर अफवाह फैलाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इस तरह की शिकायतें आती हैं, उस पर किस तरह के संकेत लगाने के? देखिए, सोशल मीडिया के लिए अलग से एक सोशल मीडिया सेल बनाया गया है और लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। कोई भी उत्तेजक बात या ऐसी बात जिससे कि धार्मिक या जातिगत विद्वेष समाज में फैल सकता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जा रहा है और अन्य तत्व उनको भी चिन्हित करके उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। ऐसे में जैसे चुनाव को लेकर के जो लोग शराब का वितरण और पैसे का वितरण वोटों को रिझाने के लिए करते हैं, जिला प्रशासन लगातार उन पर नज़र टिकाए हुए है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो लोग सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें और वीडियो, फेक वीडियो डाल करके लोगों को डिस्टर्ब करने वाली काम करते हैं, उन पर भी प्रशासन की लगातार नज़र बनी हुई है और आईजी कानपुर में सख्त निर्देश दिए हैं, ऐसा करने वाले लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से जय चौधरी, NN24।